आज की बैठक में सरफराज साहब का नाम आया। इधर देख, हम लोगों ने कहा कि हमारी तो आवश्यकता है भी नहीं, वो सीट कांग्रेस की थी। हालात ऐसे बने कि सीट जेएम को चला गया। हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और जो सीट गया है सरफराज साहब को कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने त्याग दिया विधानसभा, उसके बाद ये सीट गया। हमने साफ साफ चंपई सोरेन जी को, आलमगीर साहब को और राजेश ठाकुर को कह दिया है लोकसभा में एक अल्पसंख्यक सीट को मिलना चाहिए, इसको टैग मत कीजिए। अगर टैग करने के लिए मीटिंग बुलाया गया है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, लोकसभा में एक सीट आपको अल्पसंख्यक को देना होगा। मैंने चंपई सोरेन जी को कहा है, आप हम लोग से साइन करवा रहे हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं, आपको भी दिल्ली जाना होगा। जब मुसलमानों की टिकट देने की बात आती है तो कहता है कि नहीं पोलराइजेशन हो जाएगा, वोट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, लोकसभा में एक अल्पसंख्यक को टिकट देना होगा, नहीं दीजिएगा तो सारा सीट पे इसका घर खराब मैसेज जाएगा और सारा सीट लूज करेंगे हम लोग। इसलिए मैंने कहा, तीनों को मैंने कहा, चंपई सोरेन जी को, आलमगीर साहब को और राजेश ठाकुर जी को, दिल्ली जाइए, आलाकमान को बताइए, जो जो जानकारी मिल रही है ये लोग टैग कर रहा है राज्यसभा लोकसभा में, राज्यसभा जो जा रहे हैं सरफराज साहब, मैंने पहले भी कहा है कोई एहसान नहीं कर रहा है, उन्होंने त्याग दिया है अपना विधानसभा को त्याग दिया है, उसके बाद वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसलिए हर हाल में लोकसभा में एक मुस्लिम सीट को मिलना चाहिए। महापात्रा जी का नामांकन पत्र लिया है, हर महापात्रा बिजनेसमैन है जो है वो कहा कि भैया आप आइए और हम लोग हैं आपके साथ। महापात्रा कौन है? महापात्रा देखने दिए, कल मालूम चलेगा क्या है नहीं है। अब वो जब महा है महाने हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं, वो बड़ी बात है। ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ जो नाराज थे शायद उनके प्रस्तावक बन सकते हैं। अब जो नाराज थे उनसे पूछिए, हम तो अब नाराज नहीं है। अभी तो आप नाराज देखिए, अभी तो नहीं, मैंने मुद्दे पे बात की, मुद्दे पे मेरी नाराजगी है। हमने कहा कि हमारा अखिलेश कौम है, हम लोग वोट देते हैं, आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, तो हमें मिलना चाहिए सीट। चलिए कौन बोल रहा है सब बर्बाद कर देखो, क्या बोल रहे हैं? चलिए ये क्या तरीका है, कह रहे मरो घर से औकात है तुम्हारे, चूतिया चल भड़ुआ चला। देखिए कोई डिस्कशन की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि सब सर्वसम्मति से हम लोग ने सरफराज साहब के कुर्बानी को, उनके बलिदान को, जो उस समय की परिस्थिति थी उसको देखते हुए हम लोग ने उनका नाम का चयन किया था। और कांग्रेस और जेएमएम, राजद और विनोद सिंह जी ने, हम लोग ने सब ने मिलकर उनको, हम लोग ने सहसमिति से राज्यसभा का उम्मीदवार हम लोग ने चयन किया। इस बार भी क्या ऐसा होगा कि आप लोग लोकसभा में किसी अल्पसंख्यक को मौका नहीं देंगे, क्योंकि इरफान जी ने अभी कह के गया कि राज्यसभा को ही माना जाएगा, तब तो ये बोल रहे कि गलत होगा। देखिए अभी बहुत प्री मैच्योर्ड है और इरफान भाई ने सभी रिलीजन को लेते हुए, सभी चीजों को लेते हुए एक निर्णय लिया है कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि उस प्रस्ताव में उन्होंने रखा कि अगर उम्मीदवार हो तो सभी कास्ट को देखते हुए, सभी एक्सटेंट्स को देखते हुए हो, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव में क्या करें जी। तो अभी एक हरिहर महापात्रा ने भी पर्चा खरीदा है, उद्योगपति हैं, कई तरह की चर्चाएं आ रही है, अनूप जी इस चीज को कैसे देखते हैं, दो की लड़ाई में तीसरे की एंट्री? देखिए आप किसी की भी एंट्री हो उनको प्रस्तावक मिलेगा तब ना, हमारे कांग्रेस इंटैक्ट था, हमारे जेएमएम इंटैक्ट। यहाँ हजारीबाग से कुछ लोगों को आप देख रहे हैं सामने आए हैं, भाई रामनवमी में वहाँ धारा 144 लगा दिया जाता है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये गलत है बोल रहे हैं, ये राम भक्तों के साथ गलत हो। देखिए राम भक्त बस वही नहीं है, राम भक्त मैं भी हूँ, और वो नहीं बताएंगे कि क्या गलत है क्या नहीं है। सरकार सबकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर देखना सरकार का काम होता है, और लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए सरकार अपनी काम करती है। उनसे ज़्यादा राम भक्त मैं हूँ, उनसे ज़्यादा मेरे परिवार ने मंदिर बनाया होगा, उनसे ज़्यादा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैंने 70,000 आदमियों को खाना खिलाया। तो खाली राम जय श्री राम बोलने से राम भक्त नहीं हो जाता, कर्म में भी राम भक्ति लाना होता है।